गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, परिजन कल्याण समिति की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं लेआउट ऑप्शंस के बारे में। तो लेआउट ऑप्शंस में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका गो टू पेज का। तो गो टू पेज का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें एक पेज से दूसरे पेज पर जाना होता है, या फिर जैसे कि आप कोई नोट्स टाइप कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे पेजेस हैं और आपको आप अभी पेज नंबर 1 पर हैं और आपको डायरेक्टली पेज नंबर 100 पर पहुंचना है, तो आप लेआउट ऑप्शन पे जाके गो टू पेजेस का यूज़ कर सकते हैं। हम आपको बता देते हैं कैसे आप यूज़ करेंगे। आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पर पेजेस की संख्या लिखी हुई है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 100 पेज हैं और 100 पेज में से हम अभी पेज नंबर 1 पर हैं। यदि आपको डायरेक्टली 100 पेज नंबर पर पहुँचना है तो आप लेआउट ऑप्शन पर जाइए और गो टू पेज पर क्लिक कीजिए। गो टू पेज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं पेज नंबर लिखा हुआ आ रहा है। आपको अब जिस पेज नंबर पर जाना है आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे आप हमें 100 पेज नंबर पर पहुँचना है तो यहाँ पर हमने टाइप कर दिया 100। उसके बाद आप क्लिक करेंगे ओके पर तो आप डायरेक्टली पेज नंबर 100 पर पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक पेज नंबर से पेज नंबर 100 पर जा सकते हैं, पेज नंबर 1 से 100 पर पहुंच सकते हैं। यदि आपको वापस पेज नंबर 1 पर आना है तो आप लेआउट पर जाइए, गो टू पेज पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए 1 और ओके कर दीजिए तो आप पेज नंबर 1 पर आ जाएंगे। यदि आपको बीच में किसी पेज नंबर पर जाना है तो आप वो संख्या टाइप करके उस पेज नंबर पर जा सकते हैं। उसके बाद है आपका ऑप्शन इंसर्ट पेजेस का। तो अभी आप हम यहाँ पर सेकेंड पेज नंबर पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद क्लिक करेंगे हम इंसर्ट पेजेस पर। जैसे ही हम इंसर्ट पेजेस पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पेज का मतलब क्या होता है, आप यदि चाहते हैं कि आपको दो पेज के बीच में आपको कोई पेज लेना है या फिर आगे पेज लेना है पीछे पेज लेना है तो आप इंसर्ट पेज से पेज को ले सकते हैं, कोई न्यू पेज आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम पेज नंबर 2 पर कोई मैटर टाइप कर लेते हैं यहाँ पर, तो आप कि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से हमने पेज लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने पेज नंबर 2 पर कोई मैटर टाइप कर लिया, इसी मैटर को हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और पेज नंबर 3 पर पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा और मैटर टाइप कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं पेज नंबर 2 पर मैटर टाइप किया हुआ है, पेज नंबर 3 पर मैटर टाइप किया हुआ है और टोटल हमारे पास जो पेजेस हैं वो हैं टोटल 100 पेजेस। यदि हम कोई पेज इंसर्ट करेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको पेज इंसर्ट करना बता देते हैं, आप किस तरीके से पेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो लेआउट ऑप्शन पर जाइए, लेआउट ऑप्शन पर जाने के बाद इंसर्ट पेज पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इंसर्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा रहा है इंसर्ट 2, मतलब कि आप दो पेज इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर दो से ज़्यादा करना चाहते हैं या एक करना चाहते हैं। तो जितने पेज आपको इंसर्ट करना है वो संख्या आप यहाँ टाइप कर देंगे। उसके बाद है पेजेस, मतलब आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, पेज आपको कहाँ पर इंसर्ट करना है। यदि आप चाहते हैं पेज नंबर 2 के पहले आपको पेज लेना है तो आप बिफोर ऑप्शन से 2 के पहले ले सकते हैं पेज। यदि आप चाहते हैं 2 के बाद में पेज इंसर्ट करना है तो आप आफ्टर से बाद में ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं 2 और 3 के बीच में कोई पेज इंसर्ट हो जाए तो आप बिटवीन ऑप्शन से ले सकते हैं। तो जैसे भी आपको पेज इंसर्ट करना है वैसे आप पेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम अभी आपको बिटवीन वाला ऑप्शन बता देते हैं। सबसे पहले हम अभी ले रहे हैं पेज नंबर 2 और 3 के बीच में एक पेज इंसर्ट करेंगे तो आपका जो मैटर 3 पर टाइप किया हुआ है वो आपका मैटर पहुंच जाएगा 4 पर और यहाँ पर नंबर तो आपका 3 ही डाला रहेगा क्योंकि पेज नंबर सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे, आपके पेज नंबर चेंज नहीं होंगे। जो भी पेज आपका इंसर्ट होगा उसमें ऑटोमेटिक पेज नंबर आपका डल जाएगा। तो हम यहाँ पर ऑप्शन लेंगे बिटवीन वाला। सबसे पहले हम आपको बीच में पेज लेना ना बता रहे हैं, तो बिटवीन ऑप्शन लेने के बाद हम इसको करेंगे इंसर्ट। तो जो मैटर आपका 3 पेज नंबर पर है वो आपका पहुंच जाएगा 4 पेज नंबर पर और यहाँ पर आपका एक न्यू पेज इंसर्ट हो जाएगा। क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं न्यू पेज आ गया है और जो मैटर था वो आपका पहुँच गया है 4 नंबर पेज पर। 5 नंबर पेज पर भी कोई मैटर टाइप किया था तो वो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो ये आपका बिटवीन वाला ऑप्शन था जिससे आप पेज को बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका ऑप्शन है आफ्टर और बिफोर। तो यदि आपको पेज नंबर 2 के पहले पेज इंसर्ट करना है तो आप बिफोर ले सकते हैं, 2 के बाद करना है तो आफ्टर ले सकते हैं। तो जैसे कि हम पेज नंबर 4 और 5 पर जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास दो पेजेस हैं, 4 पर भी मैटर टाइप किया हुआ है, 5 पर भी मैटर टाइप किया हुआ है और हम
कुछ मैटर सिक्स पर भी कर लेते हैं। तो ये मैटर हमने सिक्स पर भी कर लिया है, थोड़ा और मैटर कर लेते हैं। उसके बाद हम फोर और फाइव पर वापस जा रहे हैं। अब आपको फाइव नंबर पेज के बाद कोई पेज इंसर्ट कराना है तो आप लेआउट ऑप्शन पर जाइए, इंसर्ट पेज पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको पेज कितने लेना है, एक लेना है, वन टाइप कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर आपको पहले लेना है फाइव के या बाद में लेना है, तो आपको फाइव के बाद में लेना है, तो आफ्टर और इंसर्ट। तो आप देख रहे हैं सिक्स पेज नंबर खाली आ चुका है और जो हमारा मैटर सिक्स पर था वो सेवन पर पहुंच गया है। तो इस तरीके से आप पेज को इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका रिमूव पेज, जैसे आपने पेज इंसर्ट किए वैसे ही आप पेजों को रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे हमने अभी पेज सिक्स नंबर इंसर्ट किया था वैसे ही आपको रिमूव करना है, तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। क्लिक करेंगे आप रिमूव पेज पर, आपको पेज नंबर सिक्स रिमूव करना है, मतलब ये खाली है, आपको नहीं चाहिए, यहाँ से हटाना है इसको। तो आप यहाँ पर टाइप कीजिए सिक्स और नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सेवन। यदि आपने यहाँ पर सिक्स और यहाँ पर सेवन लिखा है तो आपके ये दोनों पेजेस रिमूव हो जाएंगे। यदि आपको वन पेज ही रिमूव करना है तो दोनों जगह आप एक जैसी वैल्यू टाइप कर देना और उसके बाद ओके करना और ओके। तो आपका जो सिक्स पेज था वो डिलीट हो गया है और जो मैटर सेवन पर था वो आपका सिक्स पर आ गया है। तो इस तरीके से आप पेज को रिमूव कर सकते हैं। यदि आपको एक से ज़्यादा पेजेस रिमूव करना है तो आप एक से ज़्यादा पेजेस भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप नीचे देख रहे हैं हमारे पास अभी टोटल 100 पेज थे और कुछ पेजेस हमने इंसर्ट किए थे, तो 100 से ज़्यादा ही हैं। हमको सिर्फ ओनली सिक्स पेजेस तक रखना है, बाकी जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं हमें वो सारे पेजेस रिमूव करना है। तो लेआउट ऑप्शन पर जाएंगे, लेआउट ऑप्शन पर जाने के बाद रिमूव पेज पर क्लिक करेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं टोटल पेज हमारे पास कितने हैं। हम गो टू पेज पर जाएंगे और यहाँ पर हम 100 टाइप कर लेते हैं। हमारे पास टोटल जो पेज हैं वो हैं 101। हम वापस उसी पेज पर आ जाते हैं, गो बैक से हम वापस उसी पेज पर आ गए। हमारे पास 101 पेजेस हैं, अभी हम 7 और 6 पेज नंबर पर हैं, तो हमें टोटल डिलीट करना है 7 से लेके 101 पेजेस डिलीट करना है। तो हम यहाँ पर रिमूव पेज पर जाएंगे। रिमूव पेज पर जाने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे 7 और टोटल जितने भी पेज हैं वो सारे डिलीट करना है, मतलब 101 पेजेस हैं तो 101 पेजेस ही डिलीट करना है। तो यहाँ पर आप टाइप कर देना, उसके बाद आप ओके करना। तो आपके जितने भी पेजेस थे सिक्स नंबर के बाद वो सारे आपके रिमूव हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 से लेकर 6 तक ही आपके पेज नंबर बचे हुए हैं। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा पेजेस भी डिलीट कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपका शॉर्ट पेजेस। तो उसके बाद है आपका शॉर्ट पेजेस। तो शॉर्ट पेजेस का यूज़ हम करते हैं पेजों को शॉर्ट तरीके से देखने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही हमने शॉर्ट पेजेस पर क्लिक किया है तो जो आपके पेजेस थे वो शॉर्ट तरीके से यहाँ पर आ गए हैं। आप इनको यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, यदि आपको पेज जूम इन जूम आउट करना है तो इस तरीके से। जैसे भी आपको पेज देखना है आप यहाँ से शॉर्ट तरीके से पेजों को देख सकते हैं। उसके बाद जो आपका ऑप्शन है वो है आपका गो बैक और गो फॉरवर्ड। तो गो बैक का यूज़ हम कब करते हैं, जैसे कि हम अभी फोर और फाइव पेज नंबर पर जा रहे हैं और वापस सिक्स पेज नंबर पर आ रहे हैं। तो अभी हम फोर और फाइव पेज नंबर से सिक्स पेज पर आए हैं। यदि आपको वापस फाइव और फोर पर जाना है तो आप यहाँ से क्लिक करके भी जा सकते हैं, या फिर आप लेआउट ऑप्शन में गो बैक का भी यूज़ कर सकते हैं। गो बैक का मतलब जहाँ से आप आए हैं वहीं पर आपको वापस जाना है उसी पेज पर। तो आप गो बैक पर क्लिक करेंगे तो वापस आप उसी पेज नंबर पर आ जाएंगे। अगर आपको वापस फिर से उसी पेज पर जाना है तो आप फिर गो फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गो बैक और गो फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है आपका कॉलम गार्डियंस। कॉलम गार्डियंस का यूज़ हम कॉलम बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं अभी तो वन कॉलम ही हमारा पेज पर। यदि आपको पेज पर टू कॉलम बना के कोई मैटर टाइप करना है तो आप यहाँ पर कॉलम गार्डियंस का यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये मैटर अभी हटा देते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे लेआउट पर, फिर कॉलम गार्डियंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम लिखा रहा है, तो आपके कितने कॉलम चाहिए। यदि आपको टू कॉलम चाहिए तो आप यहाँ पर टू टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर आपके इस तरीके से टू कॉलम आ जाएंगे। यदि आपको थ्री फोर फाइव जितने भी कॉलम चाहिए आप वहाँ पर संख्या टाइप करके ले सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी मैटर टाइप करना है मैटर टाइप करके रख सकते हैं इस तरीके से। अभी जो आपका मैटर है वो आपका सिंगल लाइन में टाइप हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस मैटर को हटा देते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं पेज नंबर 1 पर, और यहाँ पर हम लेआउट पर जाके कॉलम गार्डियंस पर क्लिक कर रहे हैं। कॉलम गार्डियंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम टू टाइप करेंगे। टू टाइप करने के बाद ओके करेंगे, और फिर आप यहाँ पर कोई भी मैटर टाइप कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं आपका जो मैटर है वो आपका यहाँ पर कॉलम में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप पहले कॉलम क्रिएट कर लेना, कॉलम क्रिएट करने के बाद फिर आप मैटर टाइप करना। यदि आप मैटर पहले टाइप कर लेते हैं फिर कॉलम क्रिएट करते हैं तो मैटर आपका वन कॉलम में ही शो होगा। इस तरीके से आप पहले टू कॉलम बनाना, टू कॉलम बनाने के बाद फिर आप मैटर टाइप करना। इस तरीके से आप यहाँ पर एक कॉलम में टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेकेंड कॉलम पर जाकर सेकेंड कॉलम में भी कोई मैटर टाइप कर सकते हैं। तो आप दो कॉलम में यहाँ पर कोई भी मैटर टाइप करके रख सकते हैं। यदि आपको आपको वैसे ही नॉर्मल पेज चाहिए तो आप लेआउट ऑप्शन पर जाइए और कॉपी मास्टर गाइडेंस पर क्लिक कर दीजिए, तो आपका वन कॉलम में फिर से आ जाएगा। जैसा पेज आपका पहले था वैसा ही आ जाएगा। उसके बाद है आपका ऑटो फ्लो। तो ऑटो फ्लो का यूज़ हम आपको थोड़ा एमएस वर्ड से एग्जांपल लेके बता देते हैं कैसे होता है। सबसे पहले तो हम आप ये मैटर डिलीट कर देते हैं पूरा। तो ऑटो फ्लो का यूज़ हम एमएस वर्ड से एग्जांपल लेके बता देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एमएस वर्ड खुला हुआ है, और एमएस वर्ड में आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे पेजेस हैं। टोटल पेज हमारे पास 5 है, और 5 पर बहुत सारा मैटर टाइप किया हुआ है। यदि हमारे पास बहुत सारा मैटर है और ये मैटर हमको पेज मेकर में लेके जाना है तो हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद फिर हम यहाँ पर पेज मेकर ओपन करेंगे और यहाँ पर आके कंट्रोल वी कर देंगे। पहले हम जैसे ही हम कंट्रोल वी करेंगे तो आप देख रहे हैं जो मैटर था वहाँ पर 5 पेज में था, और यहाँ पर आपका जो मैटर आ रहा है वो आपका 1 पेज में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका जो मैटर आया है वो आपका 1 पेज में आया है। इसके नीचे आप यहाँ पर देख रहे हैं एक रेड एरो बना है, तो इसका क्या मतलब है, आपका जो मैटर है वो अभी इसके अंदर है। तो आप उस मैटर को आगे के पेज पर ले जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से ऑटो फ्लो का यूज़ करते हैं। तो ऑटो फ्लो का यूज़ कैसे करेंगे, आप क्लिक करेंगे ऑटो फ्लो पर, और यहाँ पर जो रेड पॉइंटर दिख रहा है आपको आप वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे, तो जो भी आपका इससे आगे का मैटर है वो आपके माउस पॉइंटर में आ गया है, और आप नेक्स्ट पेज पर जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका जो मैटर था वो आगे के पेजेस पर आ गया है। हमने 6 नंबर पेज पर मैटर लिया हुआ था, आगे के पेज पर यहाँ पर मैटर आ गया है। तो इस तरीके से आप ऑटो फ्लो का यूज़ कर सकते हैं। हम आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं पेज नंबर 1 पर, और एमएस वर्ड ओपन किया हमने। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हमने इस मैटर को कॉपी किया था, कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया, ऑल सेलेक्ट, फिर कंट्रोल सी से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम पेज मेकर पर गए थे, पेज मेकर पर जाने के बाद यहाँ पर हमने आके कंट्रोल वी किया था, तो यहाँ पर आपका मैटर आ गया था। यहाँ पर मैटर आने के बाद आप नीचे देख रहे थे रेड जो आपकी एरो दिख रहा है, वो रेड एरो का मतलब क्या होता है, जो भी मैटर है आपका उस मैटर के नीचे भी आपका और भी मैटर है। इस मैटर को अगर आपको आगे लेना है तो आप ऑटो फ्लो के द्वारा ले सकते हैं। लेआउट पर जाएंगे, ऑटो फ्लो पर क्लिक करेंगे। ऑटो फ्लो पर क्लिक करने के बाद आप रेड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर जाके क्लिक कर देंगे, तो जो आपका मैटर था वो आपका नेक्स्ट पेज से आ जाएगा। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर कॉलम्स बनाए थे तो वो कॉलम्स में आ गया है मैटर। इस तरीके से आप मैटर को ले सकते हैं ऑटो फ्लो द्वारा। तो आप समझ गए होंगे कि हमने कैसे ऑटो फ्लो का यूज़ किया है। यदि आपको ऑटो फ्लो का यूज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, तो हम आपको फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। तो आज हमने आपको क्लास में बताए हैं लेआउट ऑप्शंस के बारे में। यदि आपको इनमें से कोई भी ऑप्शंस के बारे में समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपको आगे क्लास में और भी अच्छे से समझा देंगे, और इसके आगे के जो ऑप्शंस हैं वो हम आपको आगे की क्लास में बताएंगे। थैंक यू।